नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नीलू व्यास। दिल्ली में इस समय गौ संसद चल रही है और इस गौ संसद के पीछे मकसद ये है कि इतनी सारी जो गायों की हत्या हो रही है और उसके इस मुद्दे के अलावा और भी कई सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। समय हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और जो पहला सवाल है कि इस समय ये गौ संसद करने का क्या उद्देश्य है? इस समय गौ माता का संरक्षण करना, उनकी हत्या को रोकना। हमारे धर्म में गाय की हिंसा को महापाप के रूप में माना गया है और वो निरंतर होती चली जा रही है। अब इसमें यह है कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि जो गौ हत्या करने वाला है उसका सहयोग करना, उसका समर्थन करना भी पाप होता है। तो हमारे सरकारें ये कर रही हैं और सरकारों को वोट दे करके हम समर्थन कर रहे हैं, हिंदू कर रहे हैं, तो हिंदुओं को भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। तो बीजेपी तो अपने आप को हिंदुओं की पार्टी बना रही है। तो हिंदुओं को गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि हम लोग इस बारे में आवाज़ उठाएं। तो अब हम लोग ये गौ संसद कर रहे हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या दूसरा कोई, 75 साल से देश में वोटिंग हो रही है और सत्ता स्थापित हो रही है, आ रही है, जा रही है, किसी ने भी हम बहुसंख्यक हिंदुओं की पीड़ा को अभी तक समझा ही नहीं, किसी ने इस बात को आगे लाया ही नहीं। तो इसलिए अब हम किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले सकते। हमको सबसे पीड़ा है कि आपने हमारी इस बड़ी पीड़ा को, देखिए हम हिंदुओं के घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय की होती है और वो बताती है कि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी गाय है, गाय से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है। 33 कोटी देवता उसके शरीर में है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अभी तक किसी भी पार्टी ने या किसी भी संत समाज के और किसी व्यक्ति ने गौ संसद के बारे में नहीं सोचा और आप ही सोच रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे तो एक से एक संतों ने, जाने कितने संतों ने प्राण गंवा दिए। धर्म सम्राट जिनको कहा जाता था, ऐसे स्वामी करपात्री जी महाराज ने 10 लाख लोगों को लेकर के 1966 में ही भारत की संसद को घेरा था। वहाँ पर कई पीठों के शंकराचार्य जी भी थे। पुरी के पुरी पीठ जो गोवर्धन पीठ है उसके शंकराचार्य जी ने 72 दिन तक लगातार अनन अनशन किया था। ये सब संतों ने ये बात उठाई है, लगातार उठाते रहे। इस गौ संसद में आप लोग क्या कर रहे हैं? किसी तरीके का कोई प्रस्ताव पारित हो रहा है या किस चीज़ पे निर्णय ले रहे हैं? इसमें हम बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके निर्णय लेंगे। कल निर्णय का दिन होगा, अभी तो चर्चाएँ चल रही हैं कि क्या क्या गौ रक्षा के लिए किया जाना जरूरी है, उसके बारे में चर्चा हो रही है। कल प्रस्ताव इस पे आएंगे और फिर वो पारित होंगे। परसों ताल कटोरा स्टेडियम में 3 बजे उद्घोषित किया जाएगा। लेकिन स्वामी जी, मुझे ये बताइए कि इस समय संत समाज को आपसे बड़ी ईर्ष्या है और उसका रीज़न ये है कि आप लगातार हेडलाइंस में बने हुए हैं और कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि राजनीतिक है, तो वो कहते हैं कि भाई शंकराचार्य राजनीतिक कैसे हो सकते हैं, इस तरीके के सवाल किए जाते हैं। नहीं, हमने पहले ही बता दिया है कि राजनीति जब हमारे धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप करेगी तो हम धर्म के क्षेत्र के लोगों को बोलना पड़ेगा। जंगल में शेर रहता है, कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन जब गांव में आ जाता है तो तुरंत हलचल मच जाती है। आप लोग रिपोर्ट करने लगते हो, मजिस्ट्रेट आकर के शूट आउट का आर्डर करने लगता है, ये सब होता है ना। तो उसी तरह से जब हमारी गाय, जो हमारी पूजनीय है, जिसको हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने अज्ञा कहा है कि मारा नहीं जा सकता, उस गाय को जब आप मार रहे हो, मार ही नहीं रहे हो, उसको बोटी बोटी करके उसका मांस बेच रहे हो, जिसको हम माँ कहते हैं, हमारी माँ को काट काट के बेच रहे हो और उसके वो राजनीति बेच रही, अब उस राजनीति के बारे में हम कुछ बोले ही ना। ये जो बात है ना, यही कह कह करके संतों को चुप करा दिया गया है कि आप राजनीति में क्यों बोलते हैं, आप राजनीति में क्यों बोलते हैं। राजनीति में ना बोलने का परिणाम यह है कि हमारी माँ कट रही है, हमारा बाप कट रहा है, हमारी छाती फट रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मोदी जी तो पिंक रेवोल्यूशन की बात करते हैं कि देखिए कितनी भारी मात्रा में बीफ और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। वही बात है ना, कहते थे पता नहीं तुम्हारी छाती में दर्द हो रहा है कि नहीं, मेरे तो होता है। अब वो छाती कहाँ गई? आर्टिफिशियल थी कि निकाल के कहीं रख दिया अलमारी में, उस छाती को दूसरी छाती लगा ली सत्ता में आते ही, शपथ लेते ही। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या रोबोटिक मैन है कि वो वाली डिवाइस निकाल के बाहर रख देता है, दूसरी डिवाइस लगा लेता है। तो क्या मोदी जी का बहुत ही बनावटीपन है राजनीति को लेके, इशूज़ को लेके? नहीं, देखिए हमारा ये बहुत ज़्यादा, हम किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि आप उनके पीछे पड़ जाते हो, हम नहीं बोलना चाहेंगे हम। लेकिन ये कहना चाहेंगे कि कोई भी हिंदू होगा जिसकी प्रकृति हिंदू होगी और उसको पावर मिल जाएगा तो वो क्या करेगा? सबसे पहले माँ को बचाएगा कि नहीं बचाएगा, यही सवाल है। आपको 10 साल मिले और ताकतवर 10 साल मिले, आपने वो ताकत दिखाई भी अनेक क्षेत्रों में, जो चाहा वो किया,
तो फिर गौ माता के क्षेत्र में आप क्यों नहीं ये करके दिखाए कि हम गौ के बारे में भी हम ये प्रस्ताव लाते हैं? आप कोई प्रस्ताव ही लेके नहीं आए 10 साल, तो ऐसे में आपके बारे में भी निराशा ही होती है। स्वामी जी, आपने गौ संसद रखी, गौ संसद पर निर्णय होंगे, लेकिन ऐसे कई तबके हैं समाज के जो कि ये कहते हैं कि आपके लिए बोलते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वर अनंत फर्जी बाबा हैं, ये नकली बाबा हैं और इनको शंकराचार्य होने का हक नहीं है। इस तरीके की बातें होती हैं, और एक नहीं उसमें कई लोग हैं, नारायण गिरी जी हैं और भी एक आध लोगों ने इस समय सवाल खड़े किए जब आपने केदारनाथ के मंदिर का जब इशू उठाया। तो ऐसा क्यों है कि संत समाज आपको आपका विरोध इस समय कर रहा है? माने गाय की रक्षा करने के लिए कोई अगर प्रयास कर रहा है तो वो फर्जी भी है, उसके काम को तो देखो, वो फर्जी है कि असली है ये तो एक अलग बात है। उसका जो काम है उसके बारे में आपका कहना है। जो हम गाय की रक्षा करने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो गाय की रक्षा की आवाज़ हमको उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? किसी भी हिंदू को उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? इस पर ज़रा सवाल पूछिए उनसे, कौन फर्जी है और कौन असली है ये तो पता चल जाता है। असली का तो पता चल गया, 10 साल तक गद्दी पे बैठा रहा, उसके बाद ये असली आपका हिंदू है, तो असली हिंदू और नकली हिंदू की क्या पहचान है? हम तो यही जानते हैं और यही हमने शास्त्रों में पढ़ा, यही हमने गुरुओं से सुना, यही अपने इतिहास में देखा कि हमारे पूर्वज जो है गाय के लिए अब सर कटा करके पीछे हो गए, हमारे कूका जो है तोप के सामने खड़े होकर के चिथड़े चिथड़े उड़ा दिए गए गाय के लिए। आपने कहा कि जो 10 साल तक राज कर रहे थे उन्होंने हिंदुओं के नाम पर कुछ नहीं किया, तो मोदी जी किस टाइप के हिंदू हैं? भाई मोदी जी किस टाइप के हिंदू हैं? ये टाइप हिंदू जो है ना, ये उसके लिए बनता है जो हिंदू हो। केवल टाइप की बात आपके मन में हो कि कौन से टाइप वाले हैं, हम तो कह रहे हैं कि हिंदू जो होगा वो गाय की हत्या नहीं सह सकता, असहनीय है उसके लिए। तो अगर गाय की हत्या सह जा रहा है ताकत होने पर भी, देखिए किसी के पास शक्ति नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा, वो मन महसूस के रह जाएगा, रो के रह जाएगा, लेकिन ताकत है उसके बाद भी हम उसको नहीं रोक रहे हैं तो इससे क्या कहेंगे? आपने कहा कि सारी सरकारें विफल रही हैं इस चीज़ को रोकने में, लेकिन उसका कारण क्या है? क्या कमर्शियल इंटरेस्ट्स हैं इस वजह से चुप हो जाते हैं लोग? क्या कारण क्या है कि आज मोदी जी क्यों चुप है गाय गौ हत्या? ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, इस बात का तो हम लोगों के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर सब लोग आश्वासन देते हैं और देने के बाद जब सत्ता में बैठते हैं उसके बाद बदल जाते हैं। देखिए नेहरू जी सबसे पहले सत्ता में आए अपने देश में, जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, और नेहरू जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जैसे मोदी भी नहीं बन पाए। उनके समय में एक छत्र राज्य था उनका, नेहरू इंडिया होते थे और इंडिया नेहरू होता था। वो नेहरू जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब लाहौर में अंग्रेज कत्ल खाना खोल रहे थे, नेहरू जी गए और नेहरू जी ने जा करके वहाँ पर आंदोलन किया और कत्ल खाने को बंद करवा दिया जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब। और बाद में जब प्रधानमंत्री बन गए और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब एक मेंबर बिल लेकर के आया गौ रक्षा का बिल, तो वो कहने लगे कि मेरा इस्तीफा ले लो अगर गाय की बात उठानी है तो। इतना बड़ा परिवर्तन कहाँ से आ गया है? ये जो कुर्सी है इस कुर्सी में कोई करंट है क्या कि तुरंत बदल देता है आदमी को? वैसे ही मोदी जी का हो गया, मोदी जी कहते थे बड़ा दर्द बड़ा दर्द, पिंक रेवोल्यूशन, ये श्वेत क्रांति नहीं बंधुओं, ये हरित क्रांति नहीं, ये गुलाबी क्रांति लाना चाहते हैं, वो गाय का मांस जो है वो गुलाबी दिखता है, पता नहीं उसको देख के तुम्हारे मन में पीड़ा होती है कि नहीं, हमारे मन में तो होती है। ऐसा शब्द कहने वाला व्यक्ति 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में सक्षम होकर बैठा रहा और गौ माता की याद नहीं आई उसको, बल्कि गौ माता की हत्यारी कंपनियों से चंदा लेने का उनकी पार्टी के ऊपर आरोप और लग गया। आपने भी नेहरू जी का उदाहरण दिया, जैसे ही आप नेहरू जी का नाम लेंगे बीजेपी कहेगी कि देखिए ये तो शंकराचार्य जी नहीं है, कांग्रेस आचार्य हैं, कांग्रेस के पार्टी के आचार्य हैं जो कि कांग्रेस की बातें करते हैं, विपक्ष की बातें करते हैं। हाँ ठीक है, वो जो कहना चाहें, जो हमारे सवाल हैं उन सवालों का जवाब देने की अपेक्षा बाकी कुछ भी कह सकते हैं वो लोग, सवाल का जवाब भर नहीं देंगे। आप देख लेना जब भी हम कोई सवाल उठाएंगे उसका जवाब भर नहीं देंगे, बाकी सब दुनिया भर का कहेंगे। ये राजनीतिक पैंतरेबाजी होती है कि जब आपको असली सवाल का जवाब ना आता हो तो आप घुमा फिरा दो, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा दो, तो राजनीतिक पैंतरेबाजी अलग है, आप किसी को कुछ भी सिद्ध कर दो। कांग्रेस ही होना कोई ख़राब है? आपने, आपकी सरकार ने कांग्रेस के नेता को विपक्ष का नेता बनाया है, मंत्री का दर्जा दिया है, संसद में उसको बैठने देते हो, संसद में उसको बोलने देते हो, क्या कांग्रेस जो है पाप है? अरे कोई लश्करे तैयबा का कोई सदस्य हो और उसके साथ कोई बात कोई कह दे, उसका कोई समर्थन कर दे, तो आप कहो कि भाई प्रतिबंधित संगठन के साथ हो रहा है। कांग्रेस तो विधिक रूप से स्थापित एक दल है,
इसी देश का वो है, करोड़ों लोग उसको भी वोट देते हैं, आपको भी वोट देते हैं। आपको बीजेपी इस समय विपक्ष की आवाज़ मानता है और ये कहता है कि ये तो विपक्ष की आवाज़ उठाने वाले शंकराचार्य। देखिए, जो सत्ता में होता है ना, वो जवाबदेह होता है। सत्ताधारी जो दल होता है वो जवाबदेह होता है, तो जब कोई सत्ता में बैठ जाएगा तो पूरे देश की जनता उसी के सामने तो प्रश्न उठाएगी। तो अगर हम देश के एक नागरिक होने के नाते और धर्म के क्षेत्र में पीड़ा होने के नाते कोई बात उठाते हैं तो आप उसको विपक्ष नहीं कह दीजिए, आप उसको कहिए कि ये जो बात आपकी पीड़ा है उसका हम सुनेंगे, सुन करके उसका जवाब करेंगे, और या तो आप सिद्ध करिए कि हमारी पीड़ा नाजायज है। स्वामी जी, आपने काफ़ी दिन पहले, अभी कुछ हफ्ते भी हो गए इस बात को लेके, कि आपने केदारनाथ में जो घोटाला हुआ था, सोना घोटाला, उसकी आपने बात उठाई, लेकिन आज तक किसी भी सरकारी मंत्री के मुंह से ये नहीं निकला, ना किसी ने जांच की बात की, किसी ने ये पता करने की कोशिश नहीं की कि वहाँ पे आखिर क्या गड़बड़ी हुई है, उसका कारण क्या है। उत्तराखंड की सरकार चुप है, केंद्र सरकार चुप है, कोई जाँच पर कोई बात नहीं हो रही। अब जाँच पे, अब उन्होंने अनुरोध किया था हमसे, कोर्ट जाइए, कोर्ट हम जा रहे हैं, दो चार दिन में कोर्ट हम जाएंगे, तो कोर्ट उसमें अगर निर्देश करेगा तो जांच होगी। तो आपके पास सारे सबूत हैं कि किस तरह से घोटाला हुआ है केदारनाथ? जो सबूत हैं उनको हम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसी पर तो कोर्ट विचार करेगा। जो हमारे पास सबूत हैं उनको हम कोर्ट लेके जा रहे हैं, जब जाएंगे तो कोर्ट विचार करेगा। आज उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है जो कल से चल रहा है, उन्होंने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली की उपाधि दी है, कि और अब अहमद शाह अब्दाली की एंट्री महाराष्ट्र के चुनाव में हो गई है। ये वही उद्धव ठाकरे जिनको अभी आपने आशीर्वाद दिया था जब आप मुंबई के दौरे पर थे और जब आपने अनंत अंबानी की शादी तय जब अटेंड की थी, आज उनका ये कहना कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली हैं, क्या कहेंगे इस पर? अभी 5 दिन पहले लगभग गुजरात में एक बड़ा आंदोलन हुआ और गुजरात की सरकार को, गुजरात के मुख्यमंत्री को मोहम्मद गजनी की उपाधियों से कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आदेश कर दिया कि 25,000 मंदिर तोड़ दिए जाएं। गुजरात के 25,000 मंदिरों को तोड़ देने का फरमान जारी कर दिया। जब राज्य सरकार ने तो प्रवीण तोगड़िया जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम की संस्था ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और वहाँ की सरकार को उस आंदोलन से भयभीत होकर के आदेश अभी फिलहाल स्थगित करना पड़ा है, अभी निरस्त नहीं हुआ है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने स्वयं 125 मंदिर अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच में जो 100 साल से भी पुराने थे उनको भी तोड़ दिया था। उस समय अशोक सिंघल जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जाकर के वहाँ वक्तव्य दिया था और वहाँ का जो संदेश नाम का सबसे प्रमुख अखबार है उसके मुखपृष्ठ पर छपा था कि ये गजनी की औलाद है, यही उन्होंने शब्द बोला था और यही छपा था, अभी भी कटिंग उसकी तैर रही है। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि जो जैसा काम होता है उसी के आधार पर लोग नाम देते हैं। यानी कि अमित शाह को अगर अहमद शाह अब्दाली की उपाधि दी गई है तो वो गलत नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है कि सही है, क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं, हम तो गऊ संसद चला रहे हैं, ये तो आपसे हमको पता चला कि उन्होंने कहा है। अब क्यों कहा है, क्या कहा है, जब तक अध्ययन नहीं करें हम क्या कह सकते हैं, ये नहीं हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसा जिसका काम होता है वैसा ही उसका नाम पड़ जाता है। क्या उद्धव ठाकरे को आप हिंदू विरोधी कहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, इसका मतलब मैं हिंदू विरोधी थोड़ी ना हूँ, कल की बातों में उन्होंने पुणे में कहा। जो कांग्रेस में है क्या वो हिंदू नहीं है? वो भी तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो जो कांग्रेस में है वो जब अपने आप को हिंदू कह लेता है तो जो कांग्रेस के साथ है वो अपने आप को हिंदू, वो तो हिंदू पार्टी के हैं, वो अपने आप को हिंदू कहने में क्या दिक्कत है? हम तो कहते हैं कि असली हिंदू की पहचान का मौका है, गाय के पक्ष में खड़े हो हिंदू बनो, और नहीं तो केवल कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे ये राहुल गांधी हों। मोदी जी तो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं। हिंदू होना पहली जरूरी है, फिर हिंदू हृदय सम्राट होना बाद की बात है। पहले नागरिक होगा तब सांसद का चुनाव लड़ सकता है, तब प्रधानमंत्री बन सकता है, नागरिक होना पहली शर्त है। ऐसे ही हिंदू होने की पहली शर्त है गौ भक्त होना। मोदी कैसे नागरिक हैं? गौ भक्त हिंदू होता है, जो गौ भक्त नहीं है वो हिंदू नहीं, सीधी परिभाषा है। गौ सुभक्तिर दृढ़ा यस्य पुनर्जन्म निदृढ़ा से है, ओंकारम मूल मंत्रम च सवई हिंदुति स्मृतः। हिंदू होने की 3 परिभाषाएं साफ बताई गई, उनमें पहली शर्त है गौ सुभक्तिर दृढ़ा यस्य, जिसकी दृढ़ भक्ति गाय में होती है वो हिंदू होता है। वो दृढ़ भक्ति नहीं दिखाई देती जिसमें, वो हिंदू नहीं हो सकता, फिर हिंदू हृदय सम्राट होने की क्या बात। अगर मोदी जी गौ हत्या पर इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उनको, आपने क्या कभी कोई पत्र लिखा, उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई हमारे पास यही एजेंडा है, कम से कम उसको पूरा करो, आपकी कोई बातचीत हुई मोदी जी से? भाई हमारी उनके लोगों से बात हुई,
उनसे तो हमारी डायरेक्टली बात नहीं, डायरेक्टली बात नहीं हुई। हम लोग उनसे बात करना चाहते थे लेकिन उन्होंने कभी समय दिया नहीं, तो उनके क्यों? समय क्यों नहीं मिला उनके? वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, है ना। कारण लिख के अगर हमको बताते तो हम आपको बता देते, उन्होंने कारण भी नहीं बताया। तो उनके लोगों से मुलाकात हुई, उनके लोगों से हम लोगों ने कहा कि भाई उनको बताओ ये गाय का मामला है, ये हमारे हृदय के बहुत पीड़ादायक मामला है, इसको करें, और लेकिन कुछ निकल कर आया नहीं। आप अभी काफ़ी सुर्खियों में थे जब समय अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे और सबको हैरानी हुई कि अरे अनंत अंबानी की शादी में स्वामी जी कैसे पहुंच गए। आपको वहां पर न्योता कैसे मिला था और मोदी जी को भी आपके पैर छूने पड़े, आपने भी उनको आशीर्वाद दिया, जबकि मोदी जी जितने जन विरोधी काम जो उनकी सरकार कर रही है आप उसके पक्ष में आप खड़े होते हैं कि भैया जनता की जो ये आवाज़ है, जनता की आवाज़ को आप उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको मोदी जी को आशीर्वाद देना पड़ा और उनको आपसे आशीर्वाद लेना पड़ा। देखिए बात यह है कि जब हमारे पास अंबानी जी के खास लोग आए, पहले तो संपर्क किया, फिर समय लिया, फिर आए, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपसे हम लोगों का कोई सीधा संबंध नहीं, आप जो है द्वारका शारदा पीठ के भक्त हैं, वहाँ जाते आते रहते हैं, द्वारकाधीश मंदिर में आप लोगों का योगदान रहता है, लेकिन हमारे यहाँ तो है नहीं। तो बद्रीनाथ में ज़रूर अंबानी जी आते थे, मुकेश अंबानी, उनके भाई का वहाँ गेस्ट हाउस भी है, वो भी आते हैं, लेकिन हम लोगों से सीधा कुछ संबंध नहीं था। तो हमने उनसे पूछा कि हमें क्यों आप आमंत्रित करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जो अनंत अंबानी हैं जिनका विवाह हो रहा है, उन्होंने आपके वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पर अयोध्या के संदर्भ में, तो उनका ये कहना है कि ये जो महात्मा हैं, वो जानते नहीं थे ठीक से कि ये जो महात्मा हैं, उन्होंने अपने लोगों को दिखा के कहा कि ये जो हैं इन्होंने सारे देश के संत एक तरफ और ये अकेले एक तरफ, और अपनी बात कहते रहे और इनकी बात में दम लगता है, इनको इनका आशीर्वाद हमको मिले तो हमको अच्छा लगेगा, इसलिए हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हम अकेले नहीं आएंगे, चारों शंकराचार्यों को बुलाओ। फिर चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया गया, फिर बाकी दो एक जगह के प्रतिनिधि आए, एक जगह के बोले हम बाद में देखेंगे, और द्वारका के शंकराचार्य जी भी गए और हम भी गए। और जहाँ तक उनके आशीर्वाद की बात है तो मोदी जी ने वहाँ सभा के बीच में हमको देखा तो उन्होंने शिष्टाचार निभाया और हमने भी अपना शिष्टाचार निभाया, उनको आशीर्वाद दिया। वो प्रणाम आशीर्वाद शिष्टाचार है, इससे ज़्यादा उसको महत्व नहीं देना चाहिए। मोदी जी को कितना महत्व देते हैं आप? पूरा महत्व देते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत गंभीरता से उनको लेते हैं। लेकिन सब कहते हैं कि आप मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, खिलाफ तो उनके काम के खिलाफ, जो काम गड़बड़ है उसके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ नहीं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कई मामलों में हमको ठीक लगते हैं, जैसे उन्होंने कुछ मामले ऐसे किए थे, दृढ़ता दिखाई थी, तो दृढ़ व्यक्ति होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तो अच्छा लगा था हमको। अभी भी हम उन मुद्दों पर उनको प्रशंसक हैं, लेकिन जो हमारे धर्म के मुद्दे हैं जिनमें धर्म की हानि होती है, उस मुद्दे पे हम प्रखर उनके आलोचक हैं और कड़ा प्रतिवाद करते हैं। लेकिन संत समाज के लोग आपका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है आपसे? संत समाज के लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं हमारा? संत समाज जो है बहुत विशाल है, व्यापक है, लाखों की संख्या है। एक दो लोगों के बारे में कोई बात सुन ली गई, उतने से क्या संत समाज विरोध कर रहा है? ऐसा तो नहीं, समाज नहीं विरोध कर रहा है, और एक दो लोग भी, केवल ये वाली बात हमको ठीक नहीं लगती है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंगना रनौत ने भी आपके बारे में बड़ा ओछा सा बयान दिया और इनफैक्ट ये बोला कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद बड़ी छोटी और ओछी बातें करते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? और वो अनाप शनाप बयान अभी राहुल गांधी के बारे में भी बोल वो देती रहती हैं कि कभी वो नशा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो आए दिन इस तरीके की बातें करती हैं, तो क्या कहेंगे उस पर, क्या प्रतिक्रिया? उनका एक बयान सार्वजनिक हुआ था कि हमको माँ ने कहा था कि बाहर जा रही हो कम से कम गऊ मांस मत खाना, तो मैंने पहले वही काम किया, और उसके बाद से फिर कोई ऐसी बात सार्वजनिक समाचार नहीं आया कि उन्होंने इस पे पछतावा किया हो या प्रायश्चित किया हो। तो जो गऊ मांस बख्शी है वो हिंदू है ही नहीं हमारी दृष्टि में, और हम उसका नाम भी लेना और उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना भी नहीं चाहते। लेकिन आपकी आलोचना करते हुए कहती हैं कि ऐसी ओछी बातें शंकराचार्य जी को नहीं करनी चाहिए, जब आपने उद्धव ठाकरे के बारे में बोला। वो जो कहना चाहें कहें, हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन वो तो अब लोकसभा की सांसद भी, वो जो कुछ हो जाएं वो भगवान की उनके ऊपर दया, उनके पूर्व पुण्यों का परिणाम, हम उसमें कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन उनके बारे में ना उनका नाम लेना हम पसंद करेंगे, ना उनके बारे में बात करना पसंद करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि शंकराचार्यों को राजनीति के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, और फिर आप लोगों को ये बोला जाता है कि भाई आप कांग्रेस के खेमे के हो गए, तो क्या कांग्रेस के खेमे में आप ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ ऐसी आपकी इच्छा है?
देखिए हम किसकी बात माने, अपने गुरु की माने कि लोगों की माने। हमारे गुरुओं के गुरु आदि शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन लिखा है, उसी आधार पर हम शंकराचार्य बन के आज बैठे हैं, क्योंकि उसमें कहा है कि मेरी पीठ पर जो अभिषिक्त हों आचार्य उनको मेरा ही स्वरूप समझो। इसीलिए लोग हमको शंकराचार्य कहते हैं, क्योंकि शंकराचार्य तो तब थे, उनके आदेशानुसार उसी मठामनाय महानुशासन में उन्होंने लिखा स्वस्व राष्ट्र प्रतिष्ठित्य संचार सुविधेयता, अपने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आप लोग संचार करते रहिएगा। माने चार शंकराचार्य बनाए और कहा चारों का क्षेत्राधिकार बांट दिया और कहा अपने अपने राष्ट्र, उन्होंने चारों को चार राष्ट्र कहा और स्वस्व राष्ट्र प्रतिष्ठित, अपने अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए। तो अपने अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए काम करने के लिए हमको हमारे गुरु आदेश कर गए हैं, तो हम नहीं बोलेंगे राजनीति के बारे में तो कौन बोलेगा। नहीं तो कौन बड़ा इस समय हिंदुत्ववादी अपने आप को बनता है, मोदी जी बनते हैं, बीजेपी भी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बताती है कि हिंदुओं का भला बीजेपी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, और एक हिंदुत्व की का पैरोकार आप भी करते हैं, तो इस किस किस के हिंदुत्व को सही माना जाए। देखिए हमारे यहाँ ये प्रश्न है कि किसकी बात को सुने हम। भगवान शंकराचार्य जी से ही एक प्रश्नोत्तरी नाम का ग्रंथ है, उसमें प्रश्न किए गए, उन्होंने उत्तर दिया। तो उनसे प्रश्न किया गया कि हम किसकी माने, साफ बता दीजिए। तो उन्होंने कहा गुरु वेद वाक्य, गुरु और वेद का वाक्य सुनिए, माने शास्त्र का और गुरु का वाक्य सुनिए। तो प्रश्न करने वाले ने पुनः प्रश्न किया कि आप एक बताइए, आप दो क्यों बता रहे हैं, गुरु वेद दो क्यों कह रहे हैं, एक ही कह दीजिए, गुरु ही कहे वाक्य बोल दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर हम एक कह देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, अगर कह देंगे गुरु का केवल सुनो तो गुरु मनमाना बोलने लग जाएगा, और अगर कह देंगे शास्त्र का सुनो तो शास्त्र का की समझ सबको नहीं होती है तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए गुरु वेद वाक्य, शास्त्रानुसार जो बोलने वाला गुरु है उसकी बात मानो। तो हिंदू समाज को ये तय करना पड़ेगा कि हम किसकी बात माने, जो शास्त्रानुसार बोलने वाला हो। तो शास्त्रानुसार बोलने वाले शंकराचार्य हैं, इसलिए शंकराचार्य की बात सुनेंगे तब उनका कल्याण होगा। और अगर शास्त्रानुसार शंकराचार्य नहीं बोल रहे होंगे तब उनकी भी बात अवहेलना करने का अधिकार हिंदू समाज के पास है, आप मनमाना नहीं बोल सकते, जो बोले शास्त्रानुसार बोलिए। मोदी जी जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो हिंदुत्व क्या है, हमने वो भी हिंदू शास्त्रों की बात कर। हमने बताया कि ये राजनीतिक हिंदुत्व है, लबादा, जैसे नाटक में राम बनने के लिए, कृष्ण बनने के लिए, राजा बनने के लिए, रंग बनने के लिए कॉस्ट्यूम होते हैं, उसी तरह से राजनीतिक हिंदुत्व होता है कि जब चाहो ओढ़ लो। तो मोदी जी वो राजनीतिक हिंदुत्व जाता है, ये जो भी राजनेता धर्म की बात करेगा वो चोला ही ओढ़ करके तो करेगा, क्योंकि वो तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ पहले ही ले चुका है। तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिया हुआ व्यक्ति जब धर्म की बात करे तो समझ लो कि ये चोला ओढ़ के बोल रहा है। राजनीति में जिस तरीके का छल कपट होता है, मेरे आखिरी दो सवाल हैं आपसे, कि राजनीति में छल कपट की बात उद्धव ठाकरे के लिए आपने कही थी कि वो धोखेबाजी और छल का वो शिकार हुए थे, उसी के बाद कंगना रनौत ने कहा कि अरे ये सब तो राजनीति का हिस्सा है, ये संवैधानिक है, उसको उन्होंने संवैधानिक बताया था, तो क्या कहेंगे इस तरीके की राजनीति में जब छल चल गया कि उस व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोलना चाहेंगे, कोई बात ही नहीं करना है उस बारे में। गऊ मांस का भोजन करना और फिर उसके बारे में कोई पछतावा ना करना, अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं आया है कि उन्होंने पछतावा किया, प्रायश्चित किया, तो हम कैसे बोलें। हमारी अपनी धार्मिक बाध्यता है, उनका अपमान नहीं है, हम उनके अपमान की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी धार्मिक बाध्यता है। चलते चलते मोदी जी को आप क्या सीख देंगे, अगर एक शंकराचार्य जी से हम कहें कि मोदी जी को कुछ सीख दे दीजिए, अंत में क्या कहें। भाई मोदी जी को सीख तो क्या देंगे, सीख तो सीखने के लिए जो आया हो उसको दी जाती है, लेकिन आप पूछ ही ही हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी अब कमज़ोर हो रहे हैं, अगर आपको फिर से ताकत पानी है तो गौ रक्षा का बिल संसद में ले आइए। क्या होगा कि पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी एक गौ रक्षा बिल अपने समय में ले आए थे, आप लोगों को याद हो तो, सवेरे लाए थे 11 बजे और शाम को उसको वापस ले लिया गया, उस पर चर्चा नहीं कराई गई। तो बात क्या थी, बात ये थी कि नायडू जो अभी हैं वही नायडू उस समय भी थे, उन्होंने कहा था कि मैं समर्थन वापस ले लूँगा, इसलिए वो बिल वापस हो गया, माने सत्ता बनाए रखना था, गाय का जो होना हो सो हो, वो निर्णय लिया गया, तो वो गाय की रक्षा का बिल वापस हो गया। अब अगर मोदी जी बिल लाएंगे तो नायडू छटक जाएंगे, यही ना बात है, उससे सरकार गिर जाएगी। लेकिन मोदी जी के पास ये मौका होगा कि मैं बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना को समर्थन देने के लिए, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए एक बिल लेकर के आ रहा था जो बहुत दिन से हमारे हृदय में सूल जन्मन करके चुभ रही थी, उसको नहीं निकालने दिया गया और हमको गिरा दिया गया, तो उससे क्या होगा
कि देश का जो हिंदू है एक तरफा होकर के मोदी जी को फिर से, जो उनकी इच्छा थी ना, उनके मुंह से निकला था कि 400 पार, वो 400 पार करा देगा, लेकर भर आ जाएं, वो इतनी हिम्मत भर हो जाए। आपको लगता है उनकी हिम्मत होगी कभी? अगर वो सत्ता से चिपके रहने की प्रवृत्ति में आ गए होंगे कि किसी हालत में जो मिली है उसको छोड़ो मत, तब तो वो नहीं कर पाएंगे। और अगर वो थोड़ा भी स्वाभिमान होगा तो ये कर देंगे, और करके इतिहास पुरुष भी हो जाएंगे और अगली बार बहुमत से सत्ता में भी आ जाएंगे। चलिए स्वामी जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। पानी की शादी तय जब अटेंड की थी, आज उनका ये कहना कि अमित शाह अहमद शाह अब्दाली हैं, क्या कहेंगे इस पर? अभी 5 दिन पहले लगभग गुजरात में एक बड़ा आंदोलन हुआ, और गुजरात की सरकार को, गुजरात के मुख्यमंत्री को मोहम्मद गजनी की उपाधियों से कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक आदेश कर दिया कि 25,000 मंदिर तोड़ दिए जाएं। गुजरात के 25,000 मंदिरों को तोड़ देने का फरमान जारी कर दिया। जब राज्य सरकार ने गुजरात की राज्य सरकार ने, तो प्रवीण तोगड़िया जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद नाम की संस्था ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, और वहाँ की सरकार को उस आंदोलन से भयभीत होकर के आदेश अभी फिलहाल स्थगित करना पड़ा है, अभी निरस्त नहीं हुआ है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने स्वयं 125 मंदिर अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच में जो 100 साल से भी पुराने थे उनको भी तोड़ दिया था। उस समय अशोक सिंघल, जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जाकर के वहाँ वक्तव्य दिया था, और वहाँ का जो संदेश नाम का सबसे प्रमुख अखबार है उसके मुख्य पृष्ठ पे छपा था कि ये गजनी की औलाद है, यही उन्होंने शब्द बोला था और यही छपा था, अभी भी कटिंग उसकी तैर रही है। यानी कि आप जो कह रहे हैं कि जैसा काम होता है उसी के आधार पर लोग नाम देते हैं, यानी कि अमित शाह को अगर अहमद शाह अब्दाली की उपाधि दी गई है तो वो गलत नहीं है? नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है कि सही है, क्योंकि हमको तो ये पता ही नहीं, हम तो गौ संसद चला रहे हैं, ये तो आपसे हमको पता चला कि उन्होंने कहा है। अब क्यों कहा है, क्या कहा है, जब तक अध्ययन नहीं करें हम क्या कह सकते हैं, ये नहीं हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जैसा जिसका काम होता है वैसा ही उसका नाम पड़ जाता है। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे को आप हिंदू विरोधी कहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ, इसका मतलब मैं हिंदू विरोधी थोड़ी ना हूँ, कल की बातों में उन्होंने पुणे में कहा। जो कांग्रेस में है क्या वो हिंदू नहीं है? वो भी तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो जो कांग्रेस में है वो जब अपने आप को हिंदू कह लेता है, तो जो कांग्रेस के साथ है वो अपने आप को हिंदू, वो तो हिंदू पार्टी के हैं, वो अपने आप को हिंदू कहने में क्या दिक्कत है? हम तो कहते हैं कि असली हिंदू की पहचान का मौका है, गाय के पक्ष में खड़े हो, हिंदू बनो, और नहीं तो केवल कहने सुनने से कुछ नहीं होगा। चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे ये राहुल गांधी हों। मोदी जी तो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट मानते हैं। हिंदू होना पहली जरूरी है, फिर हिंदू हृदय सम्राट होना बाद की बात है। पहले नागरिक होगा तब सांसद का चुनाव लड़ सकता है, तब प्रधानमंत्री बन सकता है, नागरिक होना पहली शर्त है। ऐसे ही हिंदू होने की पहली शर्त है गौ भक्त होना। मोदी कैसे नागरिक हैं? गौ भक्त हिंदू होता है, जो गौ भक्त नहीं है वो हिंदू नहीं, सीधी परिभाषा है। गोसु भक्तिर दृढ़ा यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ासे ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदुवृत्ति स्मृतः। हिंदू होने की 3 परिभाषाएं साफ बताई गई, उनमें पहली शर्त है गोसु भक्तिर दृढ़ा यस्य, जिसकी दृढ़ भक्ति गाय में होती है वो हिंदू होता है, वो दृढ़ भक्ति नहीं दिखाई देती जिसमें वो हिंदू नहीं हो सकता, फिर हिंदू हृदय सम्राट होने की क्या बात। अगर मोदी जी गौ हत्या पर इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उनको, आपने क्या कभी कोई पत्र लिखा, उनसे बात करने की कोशिश की कि भाई हमारे पास यही एजेंडा है, कम से कम उसको पूरा करो, आपकी कोई बातचीत हुई मोदी जी से? भाई हमारी उनके लोगों से बात हुई, उनसे तो हमारी डायरेक्टली बात नहीं, डायरेक्टली बात नहीं हुई। हम लोग उनसे बात करना चाहते थे लेकिन उन्होंने कभी समय दिया नहीं, तो क्यों समय क्यों नहीं मिला उनके, वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, है ना। कारण लिख के अगर हमको बताते तो हम आपको बता देते, उन्होंने कारण भी नहीं बताया। तो उनके लोगों से मुलाकात हुई, उनके लोगों से हम लोगों ने कहा कि भाई उनको बताओ ये गाय का मामला है, ये हमारे हृदय के बहुत पीड़ादायक मामला है, इसको करें, और लेकिन कुछ निकल कर आया नहीं। आप अभी काफ़ी सुर्खियों में थे जब समय अनंत अंबानी की शादी में पहुंचे, और सबको हैरानी हुई कि अरे अनंत अंबानी की शादी में स्वामी जी कैसे पहुंच गए, आपको वहां पर न्योता कैसे मिला था? और मोदी जी को भी आपके पैर छूने पड़े, आपने भी उनको आशीर्वाद दिया, जबकि मोदी जी जितने जन विरोधी काम जो उनकी सरकार कर रही है आप उसके पक्ष में आप खड़े होते हैं कि भैया जनता की जो ये आवाज़ है, जनता की आवाज़ को आप उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको मोदी जी को आशीर्वाद देना पड़ा और उनको आपसे आशीर्वाद लेना पड़ा। देखिए बात यह है कि जब हमारे पास अंबानी जी के खास लोग आए, पहले तो संपर्क किया, फिर समय लिया, फिर आए, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपसे हम लोगों का कोई सीधा संबंध नहीं, आप जो है द्वारका शारदा पीठ के भक्त हैं, वहाँ जाते आते रहते हैं, द्वारकाधीश मंदिर में आप लोगों का योगदान रहता है,
लेकिन हमारे यहाँ तो है नहीं। तो बद्रीनाथ में ज़रूर अंबानी जी आते थे, मुकेश अंबानी, उनके भाई का वहाँ गेस्ट हाउस भी है, वो भी आते हैं, लेकिन हम लोगों से सीधा कुछ संबंध नहीं था। तो हमने उनसे पूछा कि हमें क्यों आप आमंत्रित करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो जो अनंत अंबानी हैं जिनका विवाह हो रहा है, उन्होंने आपके वीडियो देखे हैं सोशल मीडिया पर अयोध्या के संदर्भ में। तो उनका ये कहना है कि ये जो महात्मा हैं, वो जानते नहीं थे ठीक से कि ये जो महात्मा हैं, उन्होंने अपने लोगों को दिखा के कहा कि ये जो हैं, इन्होंने सारे देश के संत एक तरफ और ये अकेले एक तरफ, और अपनी बात कहते रहे और इनकी बात में दम लगता है, इनका आशीर्वाद हमको मिले तो हमको अच्छा लगेगा, इसलिए हम आपको बुलाना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई हम अकेले नहीं आएंगे, चारों शंकराचार्यों को बुलाओ। फिर चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित किया गया, फिर बाकी दो एक जगह के प्रतिनिधि आए, एक जगह के बोले हम बाद में देखेंगे, और द्वारका के शंकराचार्य जी भी गए और हम भी गए। और जहाँ तक उनके आशीर्वाद की बात है, तो मोदी जी ने महासभा के बीच में हमको देखा, तो उन्होंने शिष्टाचार निभाया और हमने भी अपना शिष्टाचार निभाया, उनको आशीर्वाद दिया। वो प्रणाम आशीर्वाद शिष्टाचार है, इससे ज़्यादा उसको महत्व नहीं देना चाहिए। मोदी जी को कितना महत्व देते हैं आप? पूरा महत्व देते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बहुत गंभीरता से उनको लेते हैं। लेकिन सब कहते हैं कि आप मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। नहीं, खिलाफ तो उनके काम के खिलाफ, जो काम गड़बड़ है उसके खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ नहीं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कई मामलों में हमको ठीक लगते हैं, जैसे उन्होंने कुछ मामले ऐसे किए थे, दृढ़ता दिखाई थी, तो दृढ़ व्यक्ति होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तो अच्छा लगा था हमको। अभी भी हम उन मुद्दों पर उनको प्रशंसक हैं, लेकिन जो हमारे धर्म के मुद्दे हैं जिनमें धर्म की हानि होती है, उस मुद्दे पर हम प्रखर उनके आलोचक हैं और कड़ा प्रतिवाद करते हैं। लेकिन संत समाज के लोग आपका विरोध क्यों कर रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है आपसे? संत समाज के लोग कहाँ विरोध कर रहे हैं हमारा? संत समाज जो है बहुत विशाल है, व्यापक है, लाखों की संख्या है। एक दो लोगों के बारे में कोई बात सुन ली गई, उतने से क्या है संत समाज विरोध कर रहा है, ऐसा तो नहीं। समाज नहीं विरोध कर रहा है, और एक दो लोग भी केवल ये वाली बात हमको ठीक नहीं लगती है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कंगना रनौत ने भी आपके बारे में बड़ा ओछा सा बयान दिया, और इनफैक्ट ये बोला कि स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद बड़ी छोटी और ओछी बातें करते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? और वो अनाप शनाप बयान अभी राहुल गांधी के बारे में भी वो देती रहती हैं कि कभी वो नशा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, वो आए दिन इस तरीके की बातें करती हैं, तो क्या कहेंगे उस पर, क्या प्रतिक्रिया है? उनका एक बयान सार्वजनिक हुआ था कि हमको माँ ने कहा था कि बाहर जा रही हो कम से कम गऊ मांस मत खाना, तो मैंने पहले वही काम किया, और उसके बाद से फिर कोई ऐसी बात सार्वजनिक समाचार नहीं आया कि उन्होंने इस पे पछतावा किया हो या प्रायश्चित किया हो। तो जो गौ मांस भक्षी है वो हिंदू है ही नहीं हमारी दृष्टि में, और हम उसका नाम भी लेना और उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना भी नहीं चाहते। लेकिन आपकी आलोचना करते हुए कहती हैं कि ऐसी ओछी बातें शंकराचार्य जी को नहीं करनी चाहिए, जब आपने उद्धव ठाकरे के बारे में बोला। वो जो कहना चाहें कहें, हम उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन वो तो अब लोकसभा की सांसद भी, वो जो कुछ हो जाए वो भगवान की उनके ऊपर दया, उनके पूर्व पुण्यों का परिणाम, हम उसमें कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन उनके बारे में ना उनका नाम लेना हम पसंद करेंगे, ना उनके बारे में बात करना पसंद करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि शंकराचार्यों को राजनीति के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, और फिर आप लोगों को ये बोला जाता है कि भाई आप कांग्रेस के खेमे के हो गए, तो क्या कांग्रेस के खेमे में आप ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ ऐसी आपकी इच्छा है? देखिए, हम किसकी बात माने, अपने गुरु की माने कि लोगों की माने? हमारे गुरुओं के गुरु आदि शंकराचार्य हैं। आदि शंकराचार्य जी ने मठामनाय महानुशासन लिखा है, उसी आधार पर हम शंकराचार्य बन के आज बैठे हैं, क्योंकि उसमें कहा है कि मेरी पीठ पर जो अभिषिक्त हों आचार्य, उनको मेरा ही स्वरूप समझो। इसीलिए लोग हमको शंकराचार्य कहते हैं, क्योंकि शंकराचार्य तो तब थे, उनके आदेशानुसार उसी मठामनाय महानुशासन में उन्होंने लिखा, स्वस्व राष्ट्र प्रतिष्ठित्य संचार सुविधेयता, अपने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आप लोग संचार करते रहिएगा। माने चार शंकराचार्य बनाए और कहा, चारों का क्षेत्राधिकार बांट दिया और कहा अपने अपने राष्ट्र, उन्होंने चारों को चार राष्ट्र कहा, और स्वस्व राष्ट्र प्रतिष्ठित, अपने अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए। तो अपने अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए काम करने के लिए हमको हमारे गुरु आदेश कर गए हैं, तो हम नहीं बोलेंगे राजनीति के बारे में, तो कौन बोलेगा? नहीं, तो कौन बड़ा इस समय हिंदुत्ववादी अपने आप को बनता है? मोदी जी बनते हैं, बीजेपी भी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी बताती है कि हिंदुओं का भला बीजेपी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, और एक हिंदुत्व की का पैरोकार आप भी करते हैं, तो इस किस के हिंदुत्व को सही माना जाए? देखिए, हमारे यहाँ ये प्रश्न है कि किसकी बात को सुने हम। भगवान शंकराचार्य जी से ही एक प्रश्नोत्तरी नाम का ग्रंथ है, उसमें प्रश्न किए गए, उन्होंने उत्तर दिया,
तो उनसे प्रश्न किया गया कि हम किसकी माने, साहब बता दीजिए। तो उन्होंने कहा गुरु वेद वाक्य, गुरु और वेद का वाक्य सुनिए, माने शास्त्र का और गुरु का वाक्य सुनिए। तो प्रश्न करने वाले ने पुनः प्रश्न किया कि आप एक बताइए, आप दो क्यों बता रहे हैं, गुरु वेद दो क्यों कह रहे हैं, एक ही कह दीजिए, गुरु ही का वाक्य बोल दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर हम एक कह देंगे तो अनर्थ हो जाएगा, अगर कह देंगे गुरु का केवल सुनो तो गुरु मनमाना बोलने लग जाएगा, और अगर कह देंगे शास्त्र का सुनो तो शास्त्र का की समझ सबको नहीं होती है तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या कहा जा रहा है। तो इसलिए गुरु वेद वाक्य, शास्त्रानुसार जो बोलने वाला गुरु है उसकी बात मानो। तो हिंदू समाज को ये तय करना पड़ेगा कि हम किसकी बात माने, जो शास्त्रानुसार बोलने वाला हो। तो शास्त्रानुसार बोलने वाले शंकराचार्य हैं, इसलिए शंकराचार्य की बात सुनेंगे तब उनका कल्याण होगा। और अगर शास्त्रानुसार शंकराचार्य नहीं बोल रहे होंगे तब उनकी भी बात अवहेलना करने का अधिकार हिंदू समाज के पास है, आप मनमाना नहीं बोल सकते, जो बोले शास्त्रानुसार बोलिए। मोदी जी जिस हिंदुत्व की बात करते हैं वो हिंदुत्व क्या है, हमने वो भी हिंदू शास्त्रों की बात, हमने बताया कि ये राजनीतिक हिंदुत्व है, लबादा। जैसे नाटक में राम बनने के लिए, कृष्ण बनने के लिए, राजा बनने के लिए, रंग बनने के लिए कॉस्ट्यूम होते हैं, उसी तरह से राजनीतिक हिंदुत्व होता है कि जब चाहो ओढ़ लो। तो मोदी जी वो राजनीतिक हिंदुत्व जाता है, ये जो भी राजनेता धर्म की बात करेगा वो चोला ही ओढ़ करके तो करेगा, क्योंकि वो तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ पहले ही ले चुका है। तो धर्मनिरपेक्षता की शपथ लिया हुआ व्यक्ति जब धर्म की बात करे तो समझ लो कि ये चोला ओढ़ के बोल रहा है। राजनीति में जिस तरीके का छल कपट होता है, मेरे आखिरी दो सवाल हैं आपसे, कि राजनीति में छल कपट की बात उद्धव ठाकरे के लिए आपने कही थी कि वो धोखेबाजी और छल का वो शिकार हुए थे, उसी के बाद कंगना रनौत ने कहा कि अरे ये सब तो राजनीति का हिस्सा है, ये संवैधानिक है, उसको उन्होंने संवैधानिक बताया था, तो क्या कहेंगे इस तरीके की राजनीति में जब छल चल गया कि उस व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोलना चाहेंगे, कोई बात ही नहीं करना है उस बारे में। गौ मांस का भोजन करना और फिर उसके बारे में कोई पछतावा ना करना, अभी तक ऐसा कोई समाचार नहीं आया है कि उन्होंने पछतावा किया, प्रायश्चित किया, तो हम कैसे बोलें। हमारी अपनी धार्मिक बाध्यता है, उनका अपमान नहीं है, हम उनके अपमान की दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी धार्मिक बाध्यता है। चलते चलते मोदी जी को आप क्या सीख देंगे, अगर एक शंकराचार्य जी से हम कहें कि मोदी जी को कुछ सीख दे दीजिए, अंत में क्या कहें। भाई मोदी जी को सीख तो क्या देंगे, सीख तो सीखने के लिए जो आया हो उसको दी जाती है, लेकिन आप कुछ ही ही हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी अब कमज़ोर हो रहे हैं, अगर आपको फिर से ताकत पानी है तो गौ रक्षा का बिल संसद में ले आइए। क्या होगा कि पहले भी जब अटल बिहारी वाजपेयी एक गौ रक्षा बिल अपने समय में ले आए थे, आप लोगों को याद हो तो, सवेरे लाए थे 11 बजे और शाम को उसको वापस ले लिया गया, उस पर चर्चा नहीं कराई गई। तो बात क्या थी, बात ये थी कि नायडू जो अभी हैं वही नायडू उस समय भी थे, उन्होंने कहा था कि मैं समर्थन वापस ले लूँगा, इसलिए वो बिल वापस हो गया, माने सत्ता बनाए रखना था, गाय का जो होना हो सो हो, वो निर्णय लिया गया, तो वो गाय की रक्षा का बिल वापस हो गया। अब अगर मोदी जी बिल लाएंगे तो नायडू छटक जाएंगे, यही ना बात है, उससे सरकार गिर जाएगी। लेकिन मोदी जी के पास ये मौका होगा कि मैं बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना को समर्थन देने के लिए, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए एक बिल लेकर के आ रहा था जो बहुत दिन से हमारे हृदय में सूल जन्मन करके चुभ रही थी, उसको नहीं निकालने दिया गया और हमको गिरा दिया गया, तो उससे क्या होगा कि देश का जो हिंदू है एक तरफा हो करके मोदी जी को फिर से, जो वो उनकी इच्छा थी ना, उनके मुँह से निकला था कि 400 पार, वो 400 पार करा देगा, लेकर भर आ जाएँ, वो इतनी हिम्मत भर हो जाए। आपको लगता है उनकी हिम्मत होगी कभी, अगर वो सत्ता से चिपके रहने की प्रवृत्ति में आ गए होंगे कि किसी हालत में जो मिली है उसको छोड़ो मत, तब तो वो नहीं कर पाएंगे, और अगर वो थोड़ा भी स्वाभिमान होगा तो ये कर देंगे और करके इतिहास पुरुष भी हो जाएंगे और अगली बार बहुमत से सत्ता में भी आ जाएंगे। चलिए स्वामी जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका।